नगरीय विकास व ऊर्जा मंत्री के शर्मा कल आजमगढ़ में एक विद्यालय के वार्षिक उत्सव में पहुंचे। इस मौके पर भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ भी उपस्थित रहे। इस दौरान ऊर्जा मंत्री के शर्मा ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बिजली उत्पादन में 13% की वृद्धि हुई है। हम अच्छी चीजों में बढ़ोतरी कर रहे हैं और खराब चीजों में सुधार कर रहे हैं। मैन और मशीन के सामंजस्य से हमारे विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देता हूं। उनके 6 वर्ष के कार्यकाल में बहुत अच्छे कामों की उपलब्धियां हुई हैं, बहुत अच्छे कामों की शुरुआत हुई है। पिछला जो एक साल उनके जो द्वितीय कार्यकाल का जो पिछला एक साल गया है, उस कार्यकाल में भी हमने उनकी योजनाओं को, उनकी जो मंशा थी, उनकी भावनाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। हमारे जो दोनों विभाग हैं उनमें बहुत ही उत्कृष्ट कार्य हुआ है। अभी मैं रास्ते में था तभी मुझे जानकारी हमारे विभाग के लोगों ने दिया, इस वर्ष मतलब जो गया वर्ष हुआ है उसमें जो बिजली का उत्पादन हुआ है वो अभी हम प्रेस नोट आप लोगों को भिजवा रहे हैं, लेकिन जो बिजली का उत्पादन हुआ है वो पिछली साल की अपेक्षा 13% से ज्यादा अधिक हुआ है। इतना ही नहीं, पिछला जो रिकॉर्ड था वो भी टूटा है। 39,000 से ऊपर मिलियन यूनिट्स का हमारा का बिजली का रिकॉर्ड। तो इस प्रकार के कई क्षेत्रों में एक तरफ हमारा प्लांट लोड फैक्टर बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा जो एटीसी लॉस जिसको बोलते हैं, टेक्निकल और कमर्शियल लॉस जो है वो घटा है। तो इस प्रकार जो अच्छी चीजें थी उनको बढ़ोतरी हुई है।